हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 से आपका टॉपिक है, दैट इज मलेरिया। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन केस कोई प्रॉब्लम आने पर ये वीडियो आपका रोक दिया गया था, लेकिन अब आपको डेली टू डेली वीडियो आपको अटेंड होता रहेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं, दैट इज मलेरिया। हम क्या पढ़ेंगे? मलेरिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो मलेरिया है इसका दूसरा नाम हुआ एगू। क्या है? एगू, जिसे हम मियादी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, ये चैप्टर नंबर आपका 8 से है, क्लास 12th स्टैंडर्ड से। ठीक, अब यहाँ पर मलेरिया जो होती है, व्हाट इज मलेरिया, क्या है मीन्स मलेरिया काज करवाने वाला पैथोजन कौन सा है, मीन्स ये जो मलेरिया करवाता है इसको करवाने वाला पैथोजन कौन है, रोगाणु कौन है। ठीक है, तो इसका जो पैथोजन होता है, जैसे अजीबो गरीबो जो जगह होती है, जो गंदी जगह होती है, कहने पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्टिमिनेटेड फूड, वाटर्स, एडीसी, बहुत सारे जो डिसऑर्डरिंग मैटर्स होते हैं, वहाँ पर ये जो पैथोजन्स होते हैं, पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, अथवा हम वार बोल सकते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजो। ठीक है, तो ये मलेरिया काज करवाने वाला पैथोजन्स कौन सा है? प्लाज्मोडियम, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोजोआ। अब इस मलेरिया को काज करवाने वाला पैथोजन हमको पता चल गया। अब यहाँ पर जो पैथोजन्स के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें, तो हमने क्या बताया कि ये जो मलेरिया है, मलेरिया काज करवाने वाला पैथोजन्स प्लाज्मोडियम है, और इसमें हम मॉस्किटो सुने होंगे, एक होता है मेल मॉस्किटो, क्या होता है, एक माल मेल सॉरी मेल मॉस्किटो होता है, और एक आपका फीमेल मॉस्किटो होता है। क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो अगर हमसे देखिए, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मलेरिया काज करवाने वाला जो मॉस्किटो होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है वो फीमेल मॉस्किटो होता है। कौन सा होता है? फीमेल मॉस्किटो होता है, मीन्स जो मादा मच्छर होता है, भाई मादा मच्छर जो होता है वो हमको क्या करवाता है? मलेरिया करवाता है। और जो यहाँ पर नर मच्छर होता है, वो जैसे जो फ्लावर वगैरह हो गए, ठीक है, उसके जो फ्लूट का मतलब उसका जो रस होता है फ्लावर का, उसको चूसने का काम, सक करने का काम कौन करता है? मेल मॉस्किटो करता है। तो फूलों का रस चूसता कौन है? मेल मच्छर। और जो मलेरिया काज करवाने वाला पैथोजन सॉरी जो वेक्टर है वो कौन सा है? इसको हम वेक्टर दे सकते हैं, वाहक है। ठीक है, तो वो कौन सा है? फीमेल मॉस्किटो। अब ये फीमेल मॉस्किटो का जो फूड होता है, जैसे हम सबका फूड होता है जो हम खाते हैं, वैसे इन सब का जो फूड होता है, जो फीमेल मॉस्किटो का फूड होता है, वो कौन सा होता है? वो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मलेरिया के जो है कई अलग अलग नाम होते हैं, मलेरिया बायोवेक्स है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो इसमें हमको नाम से भी अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, बट मलेरिया आएगा तो आपको पैथोजन्स और वेक्टर जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो होता है इसका फूड क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। अब हमने इसके पहले बताया कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर कॉन्टिमिनेटेड प्लेस होते हैं, जहाँ पर दूषित जगह होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी जगह होती है, वहाँ पर ये जो है, जैसे नाली वगैरह में जो वाटर होते हैं स्टोर हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। अब ये फीमेल क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को जब फूड के रूप में ले लेता है, मतलब खा लेता है, तो ये किसी हेल्दी ह्यूमंस की बॉडी पर जब आकर के क्या करता है? बाइट करता है। बाइट मींस क्या होता है? काटता है। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे इस बॉडी में 3 लेयर होती हैं, ठीक है, कितनी लेयर होती हैं? एक्सो, मीजो और इंडो। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, बट साइंस की भाषा में हम देखें तो एक्सो, मीजो और इंडो। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, मच्छर हमको कट करता है तो हमारे बॉडी में जो है उसका जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मोडियम पूर्ण रूप से नहीं जा पाता, क्योंकि उस टाइम हम देख लेते हैं। लेकिन अगर हम जैसे नाइट में ज़्यादा केस हमको मिलती हैं,
क्योंकि इसका जो कहने का मतलब जो फ्लूड होता है वो अगर अंदर तक चला जाता है तो सबसे पहले मीन्स ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जैसे काट लिए किसी हेल्दी ह्यूमंस को, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, कहाँ पर जाता है ये प्लाज्मोडियम? तो सबसे पहले लीवर में जाता है। कहाँ जाएगा? लीवर में जाता है, मीन्स यकृत में जाता है। और वहाँ पर जाने पर ए सेक्सुअली क्या करता है, डिवाइड करता है, मीन्स ए सेक्सुअली जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, और अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन क्या है, जिनमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता ना हो, उसी को हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद लीवर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टेज जो होती है, सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर में जाएगा। ठीक है, लीवर में जाने के बाद ये वहाँ पर ये सेक्सुअली डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है उसको बढ़ाएगा। आफ्टर डेथ क्या होता है, ये फिर से आरबीसी में जाता है। कहाँ पर जाएगा? आरबीसी में जाएगा, रेड ब्लड कार्पसल्स। यस का मतलब क्या होता है, देखते हैं, यस लगा होता है हर एक जगह में, मैंने बहुत सारी वीडियो आप प्रोवाइड किया है। यस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कणिकाएं होंगी वो रेड होती हैं, इसी का सिंबल लिखा है, WBC में भी लिखा होता है, मीन्स कुछ क्वांटिटी में वहाँ पर भी कलर जो होते हैं उसके रेड होते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड कार्पसल्स जाएगा उस लीवर के बाद, कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाएगा। कौन? ये प्लाज्मोडियम जाता है। जाने के बाद वहाँ पर भी फिर से ये क्या करता है, ए सेक्सुअली डिवाइड होना शुरू करता है, फिर से ए सेक्सुअली जनन करता है। और जब ये ए सेक्सुअली डिवीजन करता रहता है, मीन्स अब बताओ यहाँ पर भी एक बार संख्या को अपने इंक्रीज किया, फिर से दोबारा से ए सेक्सुअली ये जो है डिवाइड हो रहा है, तो फिर से नंबर आप यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो बढ़ रहे हैं। जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो जाएगी। ठीक है, और जब हाई लेवल में हो जाएगी तो ये जो आरबीसी की कणिकाएं होती हैं ये बस्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बस्ट हो जाएंगी, मीन्स फट जाती हैं। और फट जाने पर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको याद रखना है, एक केमिकल रिलीज होता है। क्या होता है? एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम दैट इज बोलते हैं हीमोजीन। क्या बोलते हैं? हीमोजीन। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा। अब ये जितना जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना बस्ट होगा, जितना फैलेगा, जितना ज़्यादा हीमोजीन रिलीज होगा, उतने ही अधिक मात्रा में क्या होगा, हमको इसके लक्षण दिखने लगेंगे, हमको कैरेक्टर कुछ लाने आने लगते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमको किसी चीज़ की डिजीज होती है या किसी चीज़ की हमको बीमारी होती है, तो उसके पहले लक्षण आते हैं। क्या आते हैं? लक्षण आते हैं। तो यहाँ पर आपको लक्षण मिलेगा, चिल सा हो जाएगा, मीन्स कपकपी हो जाएगी। ठीक है, फीवर आएगा, फीवर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टाइप के आपके कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके ये देखिए, हमने पहले स्टेज पढ़ी है मॉस्किटो में, ठीक है, मीन्स मलेरिया में। अभी ये किस तरीके से एक चक्र होता है, फिर से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, कहने का मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बात करेंगे। तो आपको एक बार हम फिर से अगेन इसको बता दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मलेरिया। मलेरिया का नाम दूसरा क्या है, दैट इज एगो। और मलेरिया का आज करवाने वाला जो पैथोजन्स होता है वो होता है प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पर मेल और फीमेल आपको बताया, मीन्स जो मेल मच्छर होता है वो सिर्फ फूलों का रस चूसता है, ना कि वो मलेरिया करवाता है। मलेरिया कौन करवाता है? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, मादा मच्छर करवाता है। और इसका फूड क्या होता है, जैसे हम सबका फूड होता है, वैसे इन सबका फूड क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ये क्या करता है, जब इनको इनटेक आप फूड के रूप में ले लेता है, तो ये किसी हेल्दी ह्यूमंस की बॉडी में जाकर जब बाइट करता है, तो इसके अंदर का जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे लीवर में आ जाता है। सबसे पहले लीवर में ही जाएगा, और लीवर में जाने के बाद ये सेक्सुअली डिवाइड होना शुरू होते हैं, नंबर आप यहाँ पर प्लाज्मोडियम को बढ़ाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट फिर से ये आरबीसी में जाएगा, और आरबीसी में जाने के बाद ये सेक्सुअली फिर से डिवीजन करेगा, और जब ये आरबीसी बस्ट हो जाती है तो यहाँ से एक जो है केमिकल रिलीज होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हीमोजीन है। जितना ज़्यादा हीमोजीन रिलीज होगा उतनी ज़्यादा ये डिजीज होती हो आपको होती रहेगी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी संख्या बढ़ती रहेगी। और इसके लक्षण हमको दिखते हैं, मीन्स जब हमको ये बीमारी हो जाती है, हमको चिल्स होगी, कब कभी फीवर हो सकता है, इटिस, बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइफ साइकिल आप मलेरिया पढ़ेंगे, किस तरीके से ये पूरे बॉडी में और ज़्यादा संख्या में जाता है, ह्यूमन होस्ट, मॉस्किटो होस्ट। ठीक है, इसका दो चक्र होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे।
आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो आप क्या करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, आपको लाइफ साइकिल बताई जाएगी। थैंक यू।